जॉब्स और वुमेन हैं, इंटर्नशिप है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स टाइप की जॉब हैं, और आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करवा रखा है, जिनको जॉब चाहिए, अब उनका जरा अगर आप फिगर देखोगे। मेन टॉपिक है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि आपको एनसीएस की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर यहाँ पर एनसीएस की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इसकी कुछ बेनिफिट है भी या नहीं, ठीक है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनसीएस के बारे में बात करने वाले हैं। एनसीएस क्या है? एक जॉब पोर्टल है, जैसे कि नॉर्मल जॉब पोर्टल होते हैं वैसा ही एक जॉब पोर्टल है, जहाँ पर आप जो है जॉब सर्च कर सकते हैं और जो एम्प्लॉयर है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जिनके यहाँ वैकेंसीज होती हैं, और आप वहाँ से जॉब पकड़ सकते हैं। देखिए, लेकिन एनसीएस खास है, क्योंकि एनसीएस खास इस वजह से है क्योंकि एनसीएस जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है, ये वहीं से डायरेक्ट ऑपरेट होती है, और इसके बारे में मैं आपको डायरेक्ट जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो क्या है, उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले भी मैंने एनसीएस के बारे में एक वीडियो बनाया है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एनसीएस में आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, और कैसे इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे ऑनलाइन इंटरव्यू देकर आप जॉब पकड़ सकते हैं। यहाँ पर कई सारे क्या होते हैं कि जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, साथ साथ आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब जैसी जॉब्स भी मिल जाती हैं, और साथ साथ कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं, कुछ यहाँ पर जॉब फेयर जैसे इवेंट भी होते रहते हैं जो टाइम टाइम पर निकलते रहते हैं अलग अलग स्टेट के लिए, और यहाँ पर आप उनमें पार्टिसिपेट करके भी जॉब पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज जो है जॉब को डिवाइड किया रहता है काफ़ी जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप अलग अलग स्टेट वाइज जॉब को सर्च कर सकते हैं, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जॉब सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने जो है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी जॉब सर्च कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो फील्ड है, आपकी जो वर्किंग प्रोफाइल है, आप चाहे आईटी का काम करते हो या फिर आप अकाउंट्स का काम करते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं अपने स्टेट में या फिर अदर स्टेट में या फिर अदर यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एनसीएस की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे। लेकिन जो हमारा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि आपको एनसीएस की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर यहाँ पर एनसीएस की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इसकी कुछ बेनिफिट है भी या नहीं, ठीक है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें तो हम जो है पोर्टल पर जाकर देखेंगे, और एनसीएस कोई फ्रॉड वेबसाइट नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि कई लोगों के ऐसे कमेंट्स और कई लोगों का ऐसा सोचना है कि जो एनसीएस है वो भी एक फ्रॉड वेबसाइट है, जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉड वेबसाइट तो नहीं है। देखिए, होता क्या है कि एनसीएस क्या है, एक जॉब पोर्टल है, यहाँ पर क्या होता है कि सबके लिए खुला हुआ है, यानी कि जो जॉब ढूंढने वाले हैं वो भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जो जॉब निकालने वाले हैं, जिनके यहाँ रिक्रूटमेंट है, जो एम्प्लॉयर हैं, चाहे वो एजेंसी हो या फिर कोई कंपनी हो, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकते हैं, तो ये सबके लिए खुला हुआ है। तो उससे क्या होता है कि कई पैसे लेने वाली एजेंसीज भी यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं, और अगर आपसे वो कॉन्टैक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपसे पैसा चार्ज करती हैं, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। यहाँ पर एनसीएस के पोर्टल पर क्लियरली लिखा हुआ है, और उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया हुआ है, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि एनसीएस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा प्रोसेस, और यहाँ पर एनसीएस आपसे कोई भी चार्ज नहीं करता है। यहाँ पर एनसीएस आपसे इंटरव्यू से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक पूरा सब कुछ फ्री है, रजिस्ट्रेशन, इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ फ्री है, यहाँ से आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है एनसीएस के थ्रू, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको क्या है कि कहीं पे पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये सर्विस दी जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हालांकि इसमें रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, और इससे आपको कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये हम पोर्टल पर जाकर देखेंगे अभी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जो वेबसाइट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मैं आ गया हूँ, और अब मैं इसको जरा नीचे स्क्रॉल डाउन अगर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो एनसीएस का पोर्टल है वो देखने को मिलेगा। बाकी काफी सारी चीजें यहाँ पर, जैसे कुछ ई बुक्स वगैरह भी हैं, ठीक है, और भी काफी सारा डेटा वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, पर हम जो बात करने वाले हैं वो इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो है ना नेशनल कैरियर सर्विस, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो हम इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो एनसीएस का जो पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा रन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जस्ट हम नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक इस वेबसाइट के यहाँ पर दिया गया है, तो जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एनसीएस की वेबसाइट पर, जो मेन वेबसाइट है एनसीएस की, उस पर आ जाएंगे आप। तो यहाँ पर आप जैसे देखते हैं ये जो वेबसाइट है ये यहाँ पर आप आ चुके हैं। बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं, यहाँ पर सेक्टर वाइज वैकेंसीज भी हैं यहाँ पर, और आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वाइज भी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं, कितनी 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 कहाँ कहाँ वैकेंसी हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, ठीक है।
और अदर सेक्टर जो है वहाँ पर भी, यहाँ पर आप वैकेंसी दे सकते हैं, जैसे आपकी जॉब्स फॉर वुमेन है, इंटर्नशिप है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स टाइप की जॉब है, और आपकी गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी जॉब्स यहाँ पर दी गई हैं। अच्छा, जो मेन चीज यहाँ पर देखने वाली है, दो तीन चीजें हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ और भी जैसे कैरियर स्किल्स जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो भी यहाँ पर होते रहते हैं, तो आप उनमें भी हिस्सा ले सकते हैं यहाँ पर। पर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल तो क्रिएट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी एक वीडियो प्रोफाइल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट ये भी है कि आप जो है अपनी वीडियो प्रोफाइल यहाँ पर बना के डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जो एम्प्लॉयर होता है उसकी डिटेल आपको पढ़ने के बजाय सुनने में ज्यादा इंटरेस्टिंग जैसी लगती है, ठीक है। तो उसमें आप, और उससे क्या होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी भी देख लेता है, तो वीडियो प्रोफाइल भी आप यहाँ पर अपनी बना के डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिस बारे में हम बात करने वाले थे वो है ये डेटा है। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो एक्टिव एम्प्लॉयर हैं, यानी कि जो एजेंसीज हैं या कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जो वैकेंसीज निकालते रहती है टाइम टाइम पर, वो लगभग इतनी है 1,36,000 के आसपास है, ठीक है बस। और जो एक्टिव वैकेंसीज हैं, जो अभी जॉब निकली हुई है, वो कितनी है, सिर्फ 1,26,000 के आसपास है, ठीक है। लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करवा रखा है, जिनको जॉब चाहिए, अब उनका जरा अगर आप फिगर देखोगे तो आप सोचोगे कि यार क्या फायदा है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने का, मतलब आप समझ रहे हो। यहाँ पर आप जब ये फिगर देखते हो तो भाई मतलब क्या बोलोगे, हद ही है। 1 करोड़, यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है जॉब के लिए, जो जॉब सीकर है, जो एक्टिव जॉब सीकर है, जॉब ढूंढ रहे हैं, और वैकेंसीज कितनी है, सिर्फ 1,26,000। तो कितनों को जॉब मिलेगी यार। तो अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि यार इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन करने में कोई फायदा है भी या नहीं, ठीक है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कुछ सक्सेस स्टोरीज भी यहाँ पर आपको इस जो है वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कई तरीके की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, और यहाँ पर कुछ जॉब फेयर जैसे इवेंट भी होते रहते हैं, जैसे कि हमें देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऑनलाइन जॉब फेयर चल रहे हैं अभी फिलहाल। मैं इसको जरा यहाँ से काट देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जॉब फेयर यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप इस पर व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑनलाइन जॉब फेयर चल रहे हैं, क्योंकि आजकल कोविड की सिचुएशन है तो क्या है, ऑनलाइन इंटरव्यू होते ज्यादातर। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पोर्टल जो है वो बिल्कुल ही बेकार है, यहाँ से कुछ ना कुछ लोगों को तो जॉब मिल ही जाती है। हाँ, ये रियलिटी है, जॉब ढूंढने वाले बंदे जो जॉब सीकर वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। हालांकि लेकिन ये कि इसमें जो परफेक्ट कैंडिडेट होगा उसको जॉब मिलने के चांसेस भी हैं काफी हद तक। तो ऐसा नहीं कि ये पोर्टल बिल्कुल ही बेकार है, आप चाहें तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सब फ्री है, क्योंकि इसमें कोई आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक नोटिस भी दिया गया है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर जो फ्रॉड के अगेंस्ट नोटिस वो भी यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली इन्होंने बोला गया है कि जो NCS है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा का पूरा, यहाँ पर आप इससे किसी भी स्टेज पर ये पैसा नहीं लेते हैं। अगर किसी स्टेज पर आपसे पैसा मांगा जाता है तो आप इनको डायरेक्ट जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ईमेल आईडी दी गई है और ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप इनको कंप्लेंट कर सकते हैं। तो NCS क्या करेगा, उनको ब्लैकलिस्ट कर देगा उनको, ठीक। ये इनका हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इनसे फोन पर बात कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर अप्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले साइन अप करना होगा, अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी। आप नॉर्मल अपनी एक प्रोफाइल बना लीजिए, उसमें आप अपनी वीडियो प्रोफाइल भी डाल सकते हैं, और सिंपली यहीं से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। और इसका जो पूरा जो प्रोसेस है मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। और यहाँ पर कई सारे स्किल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो भी चलते रहते हैं, तो आप उनमें भी हिस्सा ले सकते हो। और रोजगार मेला जैसे एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती रहती हैं, जॉब फेयर्स यहाँ पर चलते रहते हैं, ऑनलाइन भी चलते रहते हैं और ऑफलाइन भी चलते रहते हैं, तो आप यहाँ पर उन सब चीज़ों में भी हिस्सा ले सकते हो, और अपने स्टेट, अपनी यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से भी यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हो, ठीक है। एक पोर्टल है ये जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। चांसेस देखिए बहुत हाई चांसेस तो नहीं है कि यहाँ से आपको जॉब मिल ही जाएगी, पर ये है कि एक ट्राई कर सकते हो आप, क्योंकि फ्री है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। तो अगर आप NCS की वेबसाइट के बारे में पहले से जानते थे तो कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर नहीं जानते थे और ये पोर्टल आपको इस चैनल के द्वारा पता चला है तो ये जो नॉलेज है, ये जो जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना।